है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस आज हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग चीज सिखाने वाले हैं, लाइक कैसे आप लोग 0.10.0 का जो अपडेट आ चुका है मोबाइल फोन में, रोल आउट हो चुका है हर एक मोबाइल पे, आप उसी अपडेट को अपने एमुलेटर पे कैसे एंजॉय कर सकते हो ऑफिशियल अपडेट आने से पहले। गाइस तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि एमुलेटर में अपडेट हमेशा 20-24 आवर्स, ऐसे भी हुआ है कुछ अपडेट्स पे 0.8.0 के 48 आवर्स तक अपडेट नहीं आया एमुलेटर पे भाई साहब। तो आप लोग को इंतजार ना कराने के लिए मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए एक्सक्लूसिवली डाल रहा हूँ यूट्यूब में, पूरा यूट्यूब में आप ढूंढ लो, कहीं नहीं मिलेगा। अब मेरा वीडियो देख के कोई कॉपी करेगा तो मैं बता नहीं सकता, आप लोग टाइम नोट कर लीजिएगा, यूट्यूब में पहली ही आपको मिलेगा वीडियो कि जिसमें आप लोग ऑफिशियली अपडेट आने से पहले ऑफिशियल गेम को अपने फ़ोन में जो अपडेट है वही गेम को आप एमुलेटर पे खेल पाओगे बिना किसी तकलीफ के, बिना किसी कुछ भी, मतलब बहुत ईजी है गाइस। तो गाइस ज़्यादा बकचोदी ना करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। हाँ तो गाइस आप लोग देख पा रहे हो, ये रहा यहाँ पबजी मोबाइल का एमुलेटर, जो आप लोगों को पता ही है ये है एमुलेटर का जो वर्सन। सबसे पहले आप लोग को ये वाला पबजी मोबाइल खोलना होगा, ठीक है, ये खुल गया। पीछे वाला जो विंडो है उसको क्लोज कर दीजिए, और ऐसे ही आप लोग खुलते हैं ना, तो आप लोग क्या करना, ये एग्जिट वाला बटन है देखिए राइट साइड में, मैं एग्जिट वाला बटन को जितना बार मर्जी, जितना मर आपके दम आए, आपके मतलब आप में से हिम्मत है तो उतनी बार क्लोज करो। ये देखो मैंने क्लोज कर दिया, तो ऐसे ही कुछ स्क्रीन आपके सामने आएगा, ठीक है। तो आपके सामने ये एक्सप्लोरर नहीं आएगा, आपके सामने बस सिर्फ पबजी मोबाइल ही आएगा, ठीक है, आपके सामने सिर्फ पबजी मोबाइल ही आएगा, ठीक है। तो ये एक्सप्लोरर नहीं आएगा क्योंकि आपके साथ मेमोरी में डाउनलोड किया हुआ नहीं होगा। तो आपको कुछ कुछ चीज़ें करना पड़ेगा, मेरे को फॉलो करते जाइए और आप लोगों को पता चलते जाएगा कि क्या क्या करना है आपको। उसके बाद इस स्क्रीन को ऐसे ही रखना होगा और आपको दबाना होगा F9, ठीक है, F9। तो गाइस आप लोग अगर F9 दबाओगे तो ऐसे ही कुछ स्क्रीन आपके सामने आ जाएगा, जिसके सामने आपको मिलेगा सेटिंग्स, ब्राउजर, गैलरी, सुपर यूजर, डाउनलोड और पबजी मोबाइल, ठीक है। तो आपको क्या करना है गाइस, ब्राउजर में जाना है, ठीक है, ब्राउजर पे जाना है, ऐसे आपको ब्राउजर खुल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा youtube.com, ठीक है, youtube.com आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद आपको सर्च करना पड़ेगा मेरा चैनल, आपको मेरा चैनल ऐसे ही कुछ मिल जाएगा, शुभम प्रो टेक, और ये मेरा दूसरा चैनल है भाई, तो भाई इसको भी सब्सक्राइब कर देना यार, क्योंकि इसमें मैं कंटेंट डालता हूँ सिर्फ, और इसमें मैं लाइव स्ट्रीमिंग करता हूँ और कंटेंट मैं दोनों में ही डालता हूँ वैसे, क्योंकि इसमें ज़्यादा व्यूज नहीं आता, अच्छा वीडियो के बीच प्रमोशन भी हो गया, ठीक है, चलो कोई नहीं। तो इसमें जाना गाइस या दूसरे में भी जाना, कहीं पर भी चले जाना, आपको ये वीडियो दोनों चैनल पर मिल जाएगा। और आपको मान के चलो आपको डिस्क्रिप्शन में जाना, जो मेरा ये वाला वीडियो जो अपलोड होगा ना उसके डिस्क्रिप्शन में आपको जाना है, लाइक इसमें क्लिक करना, ये वीडियो ओपन हुआ, इसको पॉज करना, हो गया पॉज, और जाना है आपको इसके डिस्क्रिप्शन पे, लाइक इधर जो है ना, इधर क्लिक करोगे तो आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। जैसे कि आपको बहुत सारे लिंक दिख रहे, देखो सब्सक्राइब टू माय न्यू चैनल फलाना टीम पे, ऐसे लिंक दिख रहा है ना आपको, ऐसे ही सबसे ऊपर भाई साहब सबसे ऊपर आप लोगों को तीन लिंक मिल जाएगा, एक है OBB का, एक है PS Explorer का, APK का, और तीसरा है पबजी मोबाइल 0.10.0 का APK का, ठीक है। तीनों लिंक एकदम सबसे ऊपर मिल जाएगा मेरा ही, इसी वीडियो जो आप देख रहे हो इसी के कमेंट में, पर इस वीडियो को आप PC में या अपने फ़ोन में देख रहे हो, ठीक है, पर आप लोगों को एमुलेटर से आपको ये वाला वीडियो खोलना पड़ेगा, तब आपको तीन लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो एमुलेटर पे ये तीन लिंक खोल लेना और एक एक करके सबको डाउनलोड कर लेना, ठीक है, और मैं आप लोग को एग्जाम्पल भी दे दूंगा आपको कैसे डाउनलोड करनी है। लाइक आपको ये तीन लिंक मिलेगा, ठीक है, PK लिंक ऑफ पबजी मोबाइल 10.0, उसकी लिंक फ्रॉम पबजी मोबाइल 10.0, ये एक्सप्लोरर लिंक फ्रॉम 10.0, डाउनलोड करनी कैसे करोगे, ये लिंक जो है ना मैं कॉपी करूँ, पर आपको इधर से क्लिक करोगे तो हो जाएगा, ठीक है, इधर से डिस्क्रिप्शन से डायरेक्ट ऐसे क्लिक करोगे ना हो जाएगा, ठीक है, पर मैं इधर क्लिक नहीं कर रहा हूँ, इधर से मैं कॉन्टैक्ट प्लस फी मार रहा हूँ, कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो लाइक ऐसे आपको खुल जाएगा, ठीक है, तीन लिंक रहेगा, तीनों ही ऐसे खुलेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये देखिए इधर राइट साइड में टाइमर भी चल रहा है,
तो आपको स्की पैड करना है, पर स्की पैड के देखिए क्लिक नहीं हो रहा है। तो स्की पैड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो यूआरएल बार है इसमें एक बार क्लिक कीजिए, ये स्की पैड अनलॉक हो गया। अब इसको स्की पैड कर दीजिए, ठीक है। तो उसके बाद देखिए, ये देखिए डाउनलोड का ऑप्शन आपके पास आ गया, tribe.google.com फाइल बोल की, या डाउनलोड का ऑप्शन आपके पास आ गया, फिर मारिए डाउनलोड। बहुत आसान है। तो जब भी आप डाउनलोड पे प्रेस करोगे, देखिए स्टार्ट डाउनलोडिंग दिखा रहा है और आपको ऐसे ही कुछ डाउनलोड होगा, ठीक है। तो ये आपने ओपन करनी है, उसके बाद इंस्टॉल करनी है, ऐसे ही सर्च एक्सप्लोरर हो गया डाउनलोड, ठीक है, आपके कंप्यूटर पे। अभी ओपन नहीं करना आपको, अरे यार क्या बकचोदी, क्या बकचोदी यार, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, अभी डिस्कॉर्ड में तेरे को भेजना है जो भी सामान भेजेगा, कुछ नहीं। तो इधर ही ओपन करना है, नहीं आपको डेटा ऑन डन कर देना, ठीक है। ऐसे ही करके इसे बैक में जाओ, फिर से बैक में जाओ, फिर से बैक में जाओ, ऐसे करके फिर से ब्राउजर खोलना, यूट्यूब खोलना, यूट्यूब खोल के मेरे चैनल पे जाना, ऐसे ही करके सेम एस प्रीवियस आपको तीन फाइल डाउनलोड करनी है, एक एपीके ऑफ पबजी मोबाइल, ठीक है, एपीके ऑफ ईएस एक्सप्लोरर, तीसरा है ओबीबी फाइल, तीसरा है ओबीबी फाइल, ओके। तो ऐसे ही आप लोग कर लेना। एपीके लिंक सभी के सभी तीनों लिंक मैंने दे रखी है डिस्क्रिप्शन में, सारे के सारे दे रखी है मैंने, ये तीन आपको लिंक मिल जाएगा सारे के सारे, और कर लेना है डाउनलोड। फिर क्या करना आप लोग, पबजी मोबाइल का जो एपीके लिंक है वो भी मिल जाएगा, पबजी मोबाइल का एपीके आप जब डाउनलोड कर लोगे ऐसे जैसे इंस्टॉल करते कर लेना। उसके बाद आपको क्या करना है, ओबीबी फाइल को पैच करना है, लाइक ओबीबी फाइल को अपने सही जगह पहुंचाना है, लाइक आपको मैं दिखा देता हूँ, ये एक्सप्लोरर खोलना आप, ठीक है। खोल के आपको जाना है इंटरनल स्टोरेज पे, उसके बाद आपको क्या करना है, इंटरनल स्टोरेज पे जाने के बाद आपको जाना है डाउनलोड पे, ठीक है। डाउनलोड पे जाने के बाद आपको इधर बहुत सारे एपीके मिल जाएगा, इधर को हटा दो सारे, सबको हटा डिलीट, सबको डिलीट कर दूंगा मैं। तो गाइस जब आप डाउनलोड कर लोगे एपीके फाइल एंड ओबीबी फाइल को, उसके बाद जो आपको ओबीबी फाइल मिलेगा, जैसे कि एपीके फाइल मैंने बोला कि आप इंस्टॉल करने के बाद डिलीट कर दो, इधर से जाके कुछ कचरा ना रहे इधर से डिलीट कर दो, और आप लोगों ने कर दिया शायद। उसके बाद जो ओबीबी रहेगा ना, आपको ओबीबी को पहले रिनेम करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप गूगल ड्राइव से कुछ भी डाउनलोड करते हो उसको ऑटोमेटिकली वो जो फाइल होते हैं ऑटोमेटिकली रिनेम हो जाता है, तो आपको ओबीबी फाइल का सही नाम देनी है, ठीक है। तो उसका भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो जो ओबीबी फाइल का नाम है आपको ऐसे प्रेस करके दबा के रख दी इसको फाइल को, ठीक है। उसके बाद आपको रीनेम में जानी है, ठीक है। तो आप जब रीनेम में चले जाओगे तो ये जो नाम है ना, ये ओबीबी फाइल का नाम है main.0.1.0.1.2.1, इसको कॉपी करनी है, ठीक है। बस कॉपी कर लिया आपने, आप खुद भी लिख सकते हो ऐसे ओबीबी फाइल को रीनेम करने के लिए, और इसको इधर मैं डिलीट कर दूँ इसको पहले, फिर इसको पेस्ट कर दियो, ठीक है। तो ये रहा ओबीबी फाइल का नाम, इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है हम लोगों ने। तो जब भी आपका ये काम हो जाए, फिर इसको आपको इधर से कट करनी है, या कॉपी कुछ भी कर लियो करके, उसके बाद जीरो में जाना, एंड्रॉइड पे जाना, ओबीबी पे जाना, इधर जाना और इधर पेस्ट कर दियो। जैसे ये देखो मेरा ऑलरेडी पेस्ट किया हुआ है, ठीक है, ये देखो ये फाइल, ठीक है। तो इतना सा आपको करने का, इस हो गया आपका काम, और चलो खोलो पबजी मोबाइल। इतना सा छोटा सा काम करना है, आपको बस तीनों फाइल डाउनलोड करना है, एक एक करके आपको इंस्टॉल करनी है, पबजी मोबाइल के एपीके इंस्टॉल करना है, और उसके बाद ईएस एक्सप्लोरर इंस्टॉल करना है। ईएस एक्सप्लोरर इंस्टॉल करके, ईएस एक्सप्लोरर मैं इन शॉर्ट आप लोगों को बता रहा हूँ, अब ईएस एक्सप्लोरर के अंदर से डाउनलोड फोल्डर में से ओबीबी फाइल को प्लेस करना है एंड्रॉइड ओबीबी में, ठीक है। एंड्रॉइड के अंदर जो है ना ओबीबी होता है, उसमें आपको प्लेस करनी है, बस एंजॉय द अपडेट, एंजॉय द फ्रैकिंग अपडेट। देखिए मैं ट्विटर लॉगिन कर रहा हूँ, ये भी आप लोगों को दिखाना पड़ेगा क्या, अब तो गाइस देखिए मैंने ट्विटर से लॉगिन कर लिया। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, उसके बाद आपको ये लोडिंग लेगा कुछ देर तक, उसके बाद आपका आईडी खुल जाएगा। जो लोग फेसबुक से लॉगिन किए तो अपना फेसबुक से लॉगिन करना, मेरा ट्विटर से लॉगिन किया हुआ आईडी, तो मैं ट्विटर से कर रहा हूँ लॉगिन। देखिए गाइस
मिल गया स्नो मैप गाइस। आप है, आपको पता है ना क्या करना है आपको, ये चीजों को पता ही है क्या करना है आपको, ठीक है। सैनोक और मीरमन आपको डाउनलोड करना पड़ेगा इधर से, ठीक है। और बाकी सिर्फ सेटिंग्स वेटिंग्स आप लोग चेक कर लीजिएगा, कुछ भी सेटिंग्स में गड़बड़ नहीं होगा, जैसे आपका पिछला अपडेट में सेटिंग्स था वैसे ही रहेगा गाइस। देखिए मेरा ट्रांसपेरेंसी बहुत लो था, इसमें भी लो है, सारे के सारे सेटिंग्स एज यूजुअल रहेगा, ठीक है। कुछ भी प्रॉब्लम हम लोगों को नहीं सो दिखाई देगा, बस म्यूजिक थोड़ा सा मैं कम कर दूं, मास्टर हाई कर दूं, बस 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 खतरनाक। और गाइस एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं कैसे लग रहा है, फुल स्क्रीन पे देख लेते हैं। एचडीआर हम लोग करेंगे ग्राफिक्स एचडीआर एक्सट्रीम। भाई साहब खतरनाक, क्या आप लोग ये गेम प्ले देखना चाहोगे गाइस? नहीं, बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, तो आप लोगों को जस्ट ओवरव्यू दे देता हूँ ऊपर से, कौन कौन क्या क्या चीज नया आया है शॉप में। शॉप में बहुत सारी चीज नया आए होंगे, देखिए बाकी सब ये लोग आप आइए, इस चीज आप लोग भी देख लेना। वीडियो में लंबा नहीं करना चाहता तो मैं आप लोगों को नहीं दिखा रहा हूँ इतना कुछ, बस ऊपर में दिखा दिया। हाँ ठीक है, ये तो पुराने वाला ही रॉयल पास है, इसको क्या दिखाना मेरे को, तुम लोग भी देख पाओगे, बस बस। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, आप लोग अगर इतना देर तक देखे हो वीडियो को तो आप ऑफकोर्स आप लोगों को पसंद आया होगा ये वीडियो। और प्लीज यार इतना दूर तक आए हो वीडियो देखते हो तो प्लीज यार लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, और ऐसे बेहतरीन फ्यूचर वीडियो के लिए। एंड आपको मैं बताना चाहता हूँ प्रो शुभम प्रो टेक गुरु जो चैनल है उसमें मैं डेली लाइव स्ट्रीम करता हूँ, आप लोग को मेरे साथ खेलना है लाइव स्ट्रीम में आ जाओ, किन को दे दूंगा आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको सिर्फ कंटेंट चाहिए तो फिर आप शुभम प्रो YT चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सिर्फ उधर मैं कंटेंट अपलोड करता हूँ ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट। तो गाइस थैंक यू, टाटा बाय बाय। और भाई और एक चीज जो आप लोगों को बतानी थी, कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी दिक्कत हो, कोई भी स्टेप्स में दिक्कत हो, फील फ्री टू कमेंट यार, कमेंट करो आप लोग, कमेंट करो। अगर आपका काम कर गया तो भी कमेंट करो, अगर नहीं किया तब भी कमेंट करो, सब कुछ कमेंट मेरे को चाहिए यार। लाइक कर दो वीडियो को, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और जल्दी से जल्दी आ जाओ मेरे साथ लाइव स्ट्रीम में खेलने के लिए। टेक केयर, टिल नेक्स्ट वीडियो, टाटा बाय बाय।